वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है सर भाई? कैसे मैं हो? ठीक हूँ आदि, आप कैसे हैं? ठीक ठाक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, फर्स्ट क्लास। यार। ये क्या सीन है चुपके चुपके का यार, क्या हुआ? इतना इतना हिट हो गया ये ड्रामा के हम तो मतलब पीछे पड़ गए। मैं तो कास्ट मेंबर के कि भाई कि जिसका इंटरव्यू जब होता है फटाफट करी जाओ, क्योंकि इतनी रिक्वेस्ट आ रही हैं जब से हमने चुपके चुपके की कास्ट के इंटरव्यूज करने शुरू किए हैं, और इतने लोगों के मैसेजेस आते हैं कि इनका भी इंटरव्यू करें, इनका भी करें, इनका भी करें। ऑफ कोर्स हम खुद भी बहुत एंजॉय कर रहे हैं, हम खुद भी इंटरव्यू करना चाह रहे थे, पर अब पीछे मुझे पिछले 4-5 दिन से कंटिन्यूसली रिक्वेस्ट आ रही थी कि भाई आदि को बुलाएं, आदि को बुलाएं, आदि को बुलाएं, आदि को बुलाएं। तो ये लें जी, आ गया आदि आदि, आ गए, आदि आ आ गए। गया। आदि पहले तो बहुत मुबारक हो आपको, चुपके थैंक चुपके यू सो बहुत मच। जबरदस्त एक हिट प्रोजेक्ट बन के सामने उभरा माशाल्लाह है। माशाल्लाह पूरी कास्ट के लिए एक बड़ी अचीवमेंट की बात है। आपकी परफॉर्मेंस बहुत जबरदस्त है, लोग भी बड़ा अप्रिशिएट कर रहे हैं, हमें भी बहुत मजा आ रहा है। तो चुपके चुपके की भी बात करेंगे, लेकिन पहले शुरू करते हैं आपके एक्टिंग करियर से। यू आर 19 ईयर्स ओल्ड, खूब रू जवान हीरो बच्चा हमारा माशाल्लाह। तो ये एक्टिंग का शौक कैसे हुआ? एंड जिन लोगों को नहीं पता, आदि के छोटे भाई समी खान, जिनको हम सुनो चंदा में डीजे के डीजे। रोल में देख चुके हैं, अभी हाल ही में उन्होंने मुश्क में काम किया, बड़ा जबरदस्त, अगेन अ वेरी टैलेंटेड टैलेंटेड बॉय। तो ये जो टैलेंट कूट कूट के भरा हुआ है इस खानदान के अंदर, पहले तो इसकी आपको क्या लगता है कि क्या वजह, ये जीन्स में है ये टैलेंट, और दूसरा एक्टिंग की तरफ कैसे आया? नहीं, जीन्स में तुम्हारी एक्टिंग नहीं है। बेसिकली हमारी मेरी जो अम्मी है वो अपने मतलब अपना जो उनका टाइम था इन 1990s में, वो पीटीवी के साथ मतलब एज अ डायरेक्टर भी काम कर चुकी हैं, एज अ असिस्टेंट डायरेक्टर भी काम चुकी हैं, एज अ होस्ट, एज अ एक्ट्रेस, मतलब वो काम कर चुकी हैं। तो जैसे मैं अम्मी का नाम बता दें, तस्नीम उनको भी खान, शाउट आउट। तस्नीम खान, तस्नीम खान। तो जैसे कि बड़ा मैं इस दुनिया में आया, ठीक है, फिर आया और फिर क्या कहते हैं, छाया, इस छाया के पीछे हाँ, जो जैसे मतलब अब मैं बड़ा होता गया तो आप लोग यकीन नहीं करेंगे, जैसे आपने बात ही एक्टिंग करियर की, तो मैं फर्स्ट कमर्शियल वाज ऑफ पैम्पर्स। अच्छा हाँ अब लड़कियां सारी तुम्हारी फीमेल फैंस आपकी जाके नहीं, वो उस ढूंढेंगी। टाइम पे, उस टाइम पे यूट्यूब पाकिस्तान नहीं था, ये बहुत मजे की बात थी। बैक इन 2002-2003 कहाँ था मेरे ख्याल में, नहीं था। तो ये 8 में तो आया था यूट्यूब। अब तो मुझे अपना कुछ नहीं मिलता यूट्यूब पे, पुराना अगर कुछ देखना हो तो वो कमर्शियल था मेरा। फिर उसके बाद उस टाइम पे भी मैंने कमर्शियल के बकौल जो मामा मुझे बताती हैं कि बेटा ये भी किया था, ये भी किया था, मैंने कहा अच्छा ठीक है, किया तो ये होगा। मामा को ऑब्वियसली शौक था फिर, हाँ, मामा को शौक तो था, ठीक है। अब मामा ने कहा कि यार जो चीज मैं नहीं बच्चों कर को भी सकी ना, ट्रांसफर। नहीं जो चीज मैं नहीं कर सकी ना औलाद से पहले, ठीक है, अब वो बच्चे करेंगे। मैंने कहा ठीक है भाई, कर लेते हैं। उस टाइम मतलब वो अच्छा, जब मैं होश में आया, मतलब ऑब्वियस सी बात है, पैंपर्स में तो होश ही नहीं था ना भाई। वो दो समझ महीने का करवा बच्चा किधर उल्टा लेट के पीछे से बस वो आ गया, ये वो, अच्छा सही है, मुझे क्या पता ये कौन है, मैं वो है। तो मेरा जो पहला कमर्शियल था वो फिर टेलीकम्युनिकेशन का था, जब होश में आने के जब बाद। होश में आने के बाद। वो मेरी एज थी मेरे ख्याल में 4 से 5 साल समथिंग है, 4-5 साल में वहां होश में आ गए आई। थे आप? हाँ, होश में आ गया था उस मुझे टाइम क्योंकि की। नहीं याद कि मैं 4 से 5 साल की, मुझे बातें अपनी नहीं याद। अरे अब जनरेशन वाइज अगर हम देखें, कोई इतना कुछ जनरेशन गैप नहीं है, कुछ ही यार सालों का। हसन भाई आगे तो यू आर बात लाइक तो, माई लिटिल ब्रदर। बात तो सुन ले यार, मैं हाँ कब कह रहा हूँ, आप 1980-50 में पैदा हुए हैं। मैं कह रहा हूँ कि अब देखें, जैसे आपको नहीं पता ना 5 साल की एज में आपने क्या किया होगा, नहीं हाँ पता ना। हाँ इस तरह मुझे नहीं पता, मैंने 2-2 साल की एज में। अब जो बच्चे हैं वो तो पैदा होते साथ ही यूट्यूब पे लगे हुए, भाई किस तरह बड़ा आगे जा रहे हैं, किस तरह जा रहे हैं आगे। तो मुझे तो लगता है कुछ टाइम बाद बच्चे कहेंगे नहीं, पहले आईफोन जाइए फिर हम बाहर आएंगे। अच्छा, तो यू वर 4-5 व्हेन यू स्टार्टेड होश में आके, यू हाँ स्टार्टेड डूइंग टीवी सीरीज, तो मैं आपको पता चलना शुरू हो गया कि अब मैं ये काम ये कर रहा हूं, मैं ये सारी चीजें कर रहा हूं। तो टीवीसी से शुरू हुई स्टोरी। टीवीसी से मैं बेसिकली कमर्शियल्स करता था सबसे पहले ना, ड्रामास में जो समी है ना, जो डीजे आपका फेवरेट है, वो मेरा नहीं, यू आर बोथ माय फेवरेट, ऐसी वो बात नहीं। वो मेरा सीनियर है ड्रामास में, समी। अच्छा हाँ भाई, मीमर्स, ठीक है, वो मेरा ना सीनियर है ड्रामास में। कमर्शियल्स मैंने किए हैं उससे ज्यादा, मेरे ख्याल में 200 से ऊपर तो कमर्शियल कर चुका हूँ जब तक दो ये, सौ से हाँ ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह, जब तक जब माशा से हो इस दुनिया में है
वो अगर काउंट किया जाए तो टेलीकम्युनिकेशन भी किया है, ब्रांड्स भी किए, बेवरेजेस भी, सब कुछ कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कोई साल साल कॉन्ट्रैक्ट पे किया है लेकिन किया सब कुछ है माशाल्लाह से। अभी रिसेंटली भी आप लोग मेरा कमर्शियल देख रहे होंगे जायज का जो आ रहा है, जिसके माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में बिलबोर्ड भी लगे हुए और उसके बाद टीवी। और उसकी खूबसूरत बात यह है कि अब जब जायज का आता है कमर्शियल टीवी पे तो लोग बता सकते हैं जैसे कि ओ कद्दू आ रहा है, वलीद आ रहा है, वलीद आ रहा है। मेरी बेटी ने अपने मुझे कहा खुद जिनके बाबा वलीद वलीद। तो बिकॉज ऑफ द ड्रामा वो अब जायज के कमर्शियल बाकी कमर्शियल में भी एक वो फेस वैल्यू नाम हो गया ना। अब मैं जैसे बाहर भी जाता हूँ, जैसे हमारे अपार्टमेंट के बच्चे हैं तो ऑब्वियसली बात है यार, देखो जो भी हूँ मैं एक्टर हूँ, वलीद हूँ, कद्दू, मेरा नाम हो गया है, बेशक फॉलोअर्स हो गए हैं, लेकिन घर में रोटी मुझे लानी पड़ती है बाहर से वो भी पैदल ठीक है, और तंदूर पे लाइन में भी लगना, और तंदूर पे लाइन में भी लगना पड़ता है, वो भी मास्क पहनना पड़ता है, उसमें भी जो पहचानने वाले होते कहते हैं अरे भाई यहाँ पे है, अच्छा लो पकड़ लिया ठीक है। अच्छा तो क्या बात कर रहा था ना कि बचपन से फिर टीवी सीरीज का शौक और हाँ। डीजे ने ज्यादा काम किया ड्रामों में? डीजे तो खैर बड़े हैं ना, मेरे बड़े भाई हैं वो मेरे अच्छा घर में भी यू कॉल हिम डीजे? नहीं नहीं डीजे हम इतना नहीं कहते, हम समी समी कहते रहते हैं। तो जैसे उसका नाम, हाँ जो बाद में भूल गया था याद आ गई, जैसे कि उसका नाम डीजे मशहूर हुआ ना हर जगह की, और वो डीजे जा रहा है, डीजे जा रहा है, आज भी लोगों के दिलों में वो एक डीजे है ठीक है। तो मैं अपने अपार्टमेंट में नीचे उतरता हूँ ना तो एक इतने इतने से बच्चों की टोली आती है, कद्दू भाई कद्दू भाई कद्दू भाई बुरा तो नहीं लगता एक मिनट के, अच्छा दो दिन ना मैंने बड़ा इंजॉय किया है, अच्छा ठीक है। तीसरे दिन ना वो ऑब्वियसली बात है अपार्टमेंट्स की लेडीज लड़कियां वड़कियां सब वहां खड़ी हुई थी, जैसे मैं निकला हेडफोन्स पहन के ठीक है, हीरो बन के, हीरो बन के, ये आपके भाई ने सैंडो पहना है, शॉर्ट्स पहनी है, ये मजेदार वो जा रहा है ठीक है, एकदम वो आवाज आती है कद्दू भाई कद्दू भाई कद्दू भाई। मैं पीछे देखता हूँ वहां सामने देखता हूँ लड़कियां सारी यूं 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 कर रही है, मैंने यूं की आवाज बढ़ाई, मैं निकल गया आगे की तरफ। ऐसे ना करे यार, बेचारा हीरो हमारा है उसको आपने कद्दू बना दिए। हाँ। तो ये दानिश भाई को मेरे ख्याल में कसूर जाता है। नहीं 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 दानिश भाई को कुछ नहीं जाता दानिश भाई के बारे में कुछ नहीं। अच्छा चलो ठीक है, दानिश भाई की तारीफें करते हैं दिल खोल के। बट तो ये जब सिलसिला शुरू हुआ 4-5 साल की उम्र का, पहला ड्रामा फिर 2014 में ही किया। हाँ दलदल दलदल दलदल। उससे पहले 10 साल यू वर जस्ट डूइंग कमर्शियल्स। हाँ उससे पहले जब मैं कमर्शियल्स कर रहा था ना, तो अब देखिए चाइल्ड स्टार, मैं बेसिकली एज अ चाइल्ड स्टार आया ना इधर यहाँ पे, तो अब चाइल्ड स्टार की एज के अंदर मैंने ना, जब मैं 10 साल तक का था ना तो मैंने काम किया कमर्शियल्स में किया, मतलब शॉर्ट फिल्म्स वगैरह जो ISPR की डॉक्यूमेंट्रीज मैंने बहुत की उस एज में। अच्छा तो मैंने फिर लिया ब्रेक, गैप लेना बहुत जरूरी है हमारी फील्ड में, जो आजकल के हमारे नए बच्चे सोच भी रहे ना इस फील्ड में आना, तो गैप बहुत जरूरी है। वो इसलिए कि अब जब आप 10 साल से लेके आप 18-19 साल तक का 8-9 साल का गैप देते हैं ना, वो आपके लिए बहुत अच्छा है। आप ग्रूम होके आते हैं ठीक है, आपकी आवाज में फर्क आता है, आपकी शक्ल चेंज होती है, आपके बॉडी लैंग्वेज चेंज होता है, मतलब आप की हाइट होती है, हर चीज आपकी मैटर करती है। लेकिन तो मैं ये कहता हूँ कि गैप जो होता है ना, मैंने वो गैप लिया, गैप जरूरी है, वो गैप लिया। गैप लेने के बाद मैं फ्री बैठा हुआ ही था तो मुझे आया दलदल, हम टीवी का दलदल, मैंने दलदल में काम किया। दलदल खत्म होते ही मेरा दूसरा प्रोजेक्ट फिर निभा पे आ गया, तो मेरा जो सबसे पहला ड्रामा था वो दलदल था। दलदल था। अच्छा ये आदि ने बड़ी इंटरेस्टिंग एक बात की, और एस्पायरिंग एक्टर्स के लिए जो बच्चे आजकल काम करना चाहते हैं उनके लिए बड़ा अच्छा मैसेज है कि जो अडल्ट चाइल्ड से अडल्ट की जो ट्रांजिशन होती है वो बड़ी जरूरी है, तो आपने अपने आप को थोड़ा सा होल्ड बैक करना है ताकि वो 10 से जो आपका 18 साल का है। वेरी गुड। अच्छा ये ख्याल कैसे आया, अम्मी की तरफ से आई ये अंडरस्टैंडिंग कि बेटा अभी ब्रेक लेना है? मम्मा की तरफ, अभी जैसे डीजे का भी मम्मा का बड़ा टैलेंट है वैसे, है उनको भी इंटरव्यू करना चाहिए, वो बड़ी अच्छा मैनेज किया उन्होंने दोनों बच्चों को माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। वो इस गैप का ये मतलब नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ एक्टिंग के चक्कर में बैठे हुए गैप नहीं, बड़ा होगा तो होगा। देखिए इस चक्कर के अंदर ना आप अपनी स्टडीज भी कंप्लीट करें ठीक है, आपका मैट्रिक, मैं ये कह सकता हूँ कि आसानी से, मेरा भी मैट्रिक किया है ना अभी ठीक है, मैं 19 साल का, मेरा भी मैट्रिक क्लियर हुआ है, वो अलग बात है लॉकडाउन में वही है सईद गनी साहब ने करके दी है करना नहीं होना था नहीं हो जाना था हो जाना था यार हसन भाई अच्छा क्या कहते तो इस गैप के अंदर आप अपनी एजुकेशन कंप्लीट करें ठीक है, आप अपनी क्या कहते हैं अपने आप को ग्रूम करें। जब आप ग्रूम करेंगे ना तो जब आप दोबारा इस फील्ड में आएंगे, क्योंकि अगर आप चाइल्ड स्टार से लेके अब तक काम करते रहेंगे तो आपके नाम के साथ चाइल्ड स्टार लगा रहना हमेशा के लिए। अब जैसे मेरे नाम के साथ बहुत कम कोई चाइल्ड स्टार लगाता है, तो लगाता है वरना वो एक्टर क्यों लगाएगा आपको, मैं एक बात कर रहा हूँ
अगर आप वही, अगर मैं वही गैप बीच में नहीं लेता ना, मैं बड़ा भी रहता ना फैसल भाई के साथ, फैसल भाई के उसमें माशाल्लाह से भी आ जाता ना, तो उस तब भी क्या आता, अरे यार चाइल्ड स्टार आदि खान है ये तो ला है। दो बच्चे भी होंगे फिर भी चाइल्ड स्टार। तो अच्छा ये आपने बड़ी मजे की जो बात बताई है कि आपने गैप लिया 10 साल का, इस 10 साल में पढ़ाई करने के अलावा जो कि पता नहीं कितनी की है, बट अदर देन दैट अपने स्किल को इनहांस करने के लिए, इंप्रूव करने के लिए कुछ किया, क्लासेस कोई ली, थिएटर किया, स्कूल में कोई प्लेज किए, इस तरह की कोई चीज नहीं? नहीं, अच्छा अच्छा असल में मैं ना, एक मेरी बड़ी बुरी चीज थी कि मैं स्कूल में जो टैबलोज वगैरह होता है ना उसमें मैं बड़ा शाय था। अच्छा हाँ, उसमें मैं कमर्शियल करता था साथ साथ, लेकिन टैबलो में मैं शाय था। ये इसकी क्या वजह थी? बस नहीं पता मुझे, ठीक है, मतलब स्कूल के अंदर कभी भी कोई फंक्शन, इवन दो कि मैं अपने फेयरवेल्स पे नहीं गया 9th-10th के। अच्छा हाँ नहीं गया, शर्म में? शर्म नहीं, हाँ मतलब एक मेरे अंदर मैं थोड़ा डिफरेंट होके चलता हूँ, मतलब मेरे में वो नहीं है, वो जैसे फेयरवेल्स में कहते हैं ना यार ये पार्टिसिपेशन है, ये करना है, ये वो करना है, तो आप लोग करते रहो मैं घर पे रहूंगा, तो मैं ना स्टेज का बड़ा शायद था। ठीक है, अभी भी मतलब वो उस हिसाब से, मतलब मैं इस ऑन कैमरा, मुझे सारी ये कहती है तू ऑन कैमरा ठीक है, तू ऑफ कैमरा अगर तुझे स्टेज पे गया तो लाल हो जाता है, तो मेरा ये होता है हिसाब। तो मैंने बचपन उस टाइम पीरियड में ना कोई एक्टिंग क्लासेस ली, ना मैंने कुछ लिया, अपनी तारीफ नहीं कर रहा, ठीक है, डीजे की बात करते हैं, समी का ये है कि समी ना सेट पे है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप डायरेक्टर है, यार असल में मैं काम नहीं कर रहा, नहीं मैं नहीं कर रहा नहीं कर रहा, आपने कहना रोल, समी के डायलॉग शुरू, समी यू स्विच होता है। तो ये हम दोनों भाइयों के अंदर इसी तरह है कि हम दोनों ऐसे स्विच होते हैं, समी का नाम लेके बेसिकली अपनी भी यही क्वालिटी है दोनों भाई, अच्छी बात है ये। हाँ। तो बड़ी एक पॉजिटिव और खुशी की बात है जी। तो ये आपने फिर किया, और मैं जब हमारी ऑफ कैमरा भी बात हो रही थी, हम डिस्कस कर रहे थे आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं, ज्यादातर आपने एक गंदे बच्चे के रोल किए हैं आपने, मतलब शरारती बच्चे, बदतमीज बच्चे जो अपने माँ बाप के फरमाबरदार बिल्कुल भी नहीं है, तो ये जो आपने sort of negative gray characters करने शुरू किए जवान होने के बाद, इसकी क्या वजह है? बस जो आते गए आप करते गए या क्या थॉट है? हसन भाई इसके पीछे भी ना मैंने ना एक मतलब मैं इस जब फील्ड में आया था, जब मैं ड्रामास में आया था तो मेरा एक था कि यार एक ना मैं वो करूंगा नेगेटिव प्ले करूंगा। अच्छा अल्लाह पाक से मैंने कहा आई विश कि यार मुझे एक ना नेगेटिव प्ले मिले, ऊपर वाले ने कहा अच्छा एल साथ फाड़ फिर साथ के साथ दे दिए मुझे 60 ड्रामे नेगेटिव भाई, जिनमें निभा बड़ा पॉपुलर था, जिनमें निभा बहुत पॉपुलर था।